ठीक है, मान लीजिए इस पैराबोला पे मुझे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट टी लेना था, तो अपन टी क्या लेते हैं, इस पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट टी लेना होता है तो वी टेक 80 स्क्वायर कॉमा 280। ऑफकोर्स आपको याद होगा जितनी प्रॉपर्टी मैंने वाई स्क्वायर फोर एस के लिए बताई थी वो सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए भी अप्लीकेबल है, बस क्या अंतर है, ए की जगह आप माइनस ए कर दो, ए की जगह माइनस ए कर दोगे तो सारे जो फॉर्मूले इसके लिए थे वो इसके लिए भी कन्वर्ट होते चले जाते हैं, सिंपली रिप्लेस ए बाई माइनस ए। सो इस पे पैरामेट्रिक कोई पॉइंट अगर हम ये लेते हैं और इसका निकालना होता तो वी सिंपली रिप्लेस ए बाई माइनस ए, ए को माइनस ए डाल देंगे तो -AD² -280 यही पैरामेट्रिक पॉइंट मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट पैराबोला थर्ड पैराबोला कैसा मिलता है, आप देखिए y की जगह x है, x की जगह y है, xy इंटरचेंज्ड है, xy इंटरचेंज्ड है, इंटरचेंज का मतलब होता है सिंपली दीज टू ग्राफ्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर अबाउट लाइन y इक्वल टू x। अगर हम किसी एक फंक्शन में xy को इंटरचेंज करके दूसरा पा जाते हैं, इसका मतलब उन दोनों फंक्शंस में क्या खास बात होती है, ये स्ट्रेट लाइन के दौरान आपको एक पॉइंट में लिखवाया था, वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं या मिरर इमेज होते हैं अबाउट लाइन y इक्वल टू x। मतलब मैं इस ग्राफ को y इक्वल टू x के अबाउट अगर रिफ्लेक्ट कर देता हूँ आई विल गेट दिस, सिमिलरली यहाँ से वो भी मिलेगा। तो अगर x और y को इंटरचेंज किया जा रहा है पैराबोला में तो पैरामेट्रिक पॉइंट में भी वही काम कर दो, मतलब इसका पैरामेट्रिक पॉइंट अगर ये है तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट 280 AD² हो जाएगा। ऑफकोर्स रिफ्लेक्टेड दैट पॉइंट ऑल्सो अबाउट y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन। अब जिस तरीके से फर्स्ट से सेकेंड आप आए थे a को माइनस a करके, तो वही तरीका यहाँ से यहाँ जाने का भी होगा, इन दो पैराबोलास में भी वही अंतर है, a की जगह माइनस a हो रहा है, सिंपली रिप्लेस a बाई माइनस a, सो -280 -AD² ऐसा हो जाएगा। अब इस t पॉइंट पे पैराबोला का टेंजेंट अपन ने क्या देखा था, टेंजेंट हमने इस पे देखा था ty इक्वल टू x प्लस AD² ये पहले वाले पे देखा था, तो दूसरे वाले के लिए जरूरत अगर हो तो आप सिंपली a की जगह माइनस a डाल सकते हैं, यू कैन रिप्लेस a बाई माइनस a, तो फर्स्ट से सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा ty इक्वल टू x माइनस AD² यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और अगर फर्स्ट से थर्ड चाहिए होता हो तो फर्स्ट से थर्ड चाहिए होता हो इंटरचेंज x एंड y, इंटरचेंज x एंड y, तो ये होगा tx इक्वल्स टू y प्लस AD² अपन ने यहाँ पे xy को इंटरचेंज कर दिया, ये आ जाएगा। अब थर्ड से फोर्थ कैसा आएगा, वही a की जगह माइनस है जो बात ऊपर करी, तो tx इक्वल्स टू y माइनस AD² ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, बस अगर वो आपको याद रह जाए तो रिजल्ट याद नहीं भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा जरूरत हो वैसा आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें देखी थी, एम और टी का रिलेशन, जिसको काफ़ी यूज़ भी किया था अपन ने। तो एम और टी का रिलेशन यहाँ पे क्या होता है, इस टेंजेंट का स्लोप एम होता है 1/t, सेम एम इक्वल टू 1/t, बट यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन का जो स्लोप है वो टी है, वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब इसका जो स्लोप है वो टी है, तो इसका स्लोप भी वही है एम इक्वल टू टी, सभी क्लियर है ये, इन दोनों के लिए एम 1/t है, इन दोनों के लिए एम इक्वल टू टी आ रहा है, तो किसी कुछ कहना है यहाँ पे। अब इसका यूज़ हमने करके क्या किया था, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे टी को अपने 1/m डाला था तो इस पैराबोला का m स्लोप का टेंजेंट आ गया था, याद है क्या फॉर्मूला था, टी को यहाँ 1/m डाल दोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम आता है, और यहाँ पे टी को 1/m डाल दोगे तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम आता है। टी को 1/m यहाँ डालेंगे ये मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे ये मिलेगा, तो ये m स्लोप का आपको टेंजेंट मिल गया। अब याद रखिए
अगर हमें एम स्लोप का टेंजेंट इसके लिए पता करना है, इसके लिए, तो उसको पता करने का तरीका ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स वाई स्वैप कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आपने अगर इंटरचेंज कर दिया तो वो लाइन ही नहीं बचेगी एम स्लोप वाली। तो एम स्लोप का टेंजेंट में एक्स वाई इंटरचेंज वाली कहानी होल्ड नहीं करती है। सो कैसे निकालते हो? जस्ट पुट टी इक्वल टू एम देयर, टी को एम डालो तो एम एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस ए एम स्क्वायर, और यहाँ भी वही टी को एम तो एम एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस ए एम स्क्वायर, सो एम एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए एम स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे भी ये मिलेगा आपको। क्लियर है क्या बात है? तो इसमें ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब जिस तरीके से आप इसके सारे फॉर्मूले याद रखते हैं तो वैसे एक्स स्क्वायर फोर ए वाई का एम स्लोप का टेंजेंट आपको याद रखना चाहिए। बट अगर तरीका याद रखें तो आप हमेशा उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिखना बहुत आसान है, यूजुअली आपको इसका टी फॉर्म का टेंजेंट याद रहता ही है, टी वर्ग एस प्लस ई टी स्क्वायर, ये तो याद रहता ही है। तो आप सिंपली एक्स वाई को इंटरचेंज करके टी की जगह एम डाल दो। समझ में आ रहा है कैसे आया? इसमें ये तो याद होता है टी वर्ग एस प्लस ई टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई को स्वैप करो, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई करो, और उसमें टी की जगह पे एम डाल दो, बस याद रहेगा ये। तो इसमें एक्स वाई स्वैप करके टी की जगह पे एम डाल दें तो उसका एम स्लोप का टेंजेंट आ जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक्स वाई को स्वैप करके एम स्लोप का टेंजेंट नहीं आता है, क्योंकि वो गलती हो सकता है आप कर दें कि सब जगह एक्स वाई इंटरचेंज कर, मान चला यहाँ पे भी आपने कर दिया, तो यहाँ पे एक्स वाई स्वैप कर दिया तो गलत हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप ही एम नहीं रहेगा। किसी कुछ कहना है यहाँ पे? इस तरीके से जो भी रिजल्ट इसके थे, जरूरत पड़े तो कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंजेंट के लिए मैंने बताया, बट नॉर्मल के लिए भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, नॉर्मल भी सारी वही बातें फिर लिख सकते हैं आप। मतलब जो टी वन टी टू की बातें थी, टी वन टी टू माइनस वन फॉर फोकल कॉर्ड, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस फोर व्हेन द कॉर्ड ज्वाइनिंग ए बी सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ओरिजिन, किसी को याद है टी वन टी टू टू कब होता है? टी वन टी टू इक्वल टू टू कब होता है? आज ही डिराइव किया कुछ समय पहले। टी वन टी टू इक्वल टू टू होता है जब टी वन टी टू के नॉर्मल्स पैराबोला पे ही कट करते हैं। पैराबोला पे दो पॉइंट, टी वन टी टू के नॉर्मल्स अगर पैराबोला पे ही दोबारा मिल रहा है किसी टी पॉइंट पे, अरे लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम का लास्ट सब पार्ट जिसमें टी वन टी टू क्वाड्रेटिक का रूट वाली कहानी नहीं थी, तो वहाँ पे टी वन इंटू टी टू टू आया था। तो टी वन टी टू टू कब आता है? जब पैराबोला पे दो पॉइंट टी वन टी टू हो जिन पे नॉर्मल्स पैराबोला पे ही किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो, टी वन टी टू के नॉर्मल्स पैराबोला पे ही मिलते हैं तो टी वन टी टू इक्वल टू टू होता है। तो टी वन टी टू टू, टी वन टी टू माइनस फोर, टी वन टी टू माइनस वन, ये सारी बातें बस इन दो पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे नहीं। समझ में आ गई बात सभी को? तो इसको बाकी आप नेक्स्ट क्लास तक करके आएंगे, जो भी इसका होमवर्क बताया।